लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है। सीजीआई एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश 18 अप्रैल को आया है। इससे पहले मिश्रा की जमानत रद्द करवाने के लिए दायर किसानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। बारेंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीड़ितों की सुनवाई ना होने और हाई कोर्ट की ओर से दिखाई गई जल्दबाजी में जमानत आदेश को रद्द करने की मेरिट है, इसलिए हम आरोपी की जमानत अर्जी पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को वापस हाई कोर्ट में भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिश्रा को जमानत देते वक्त न्यायिक मिसालों पर विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है, FIR को घटनाओं का एनसाइक्लोपीडिया नहीं माना जा सकता है, न्यायिक मिसालों की अनदेखी की गई। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोग मारे गए थे। इस मामले में आरोप लगा कि मिश्रा से जुड़े एक वाहन ने किसानों को कुचल दिया था, फिर गुस्साए लोगों ने वाहन चालक और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या कर दी। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। इस मामले पर विपक्ष लगातार बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधकर मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से विपक्ष की ये मांग फिर से तेजी पकड़ सकती है।